पटियाला हाउस कोर्ट ने निर्भया के दोषियों की याचिका खारिज की, डेथ वारंट पर रोक लगाने से इनकार। दोषियों के वकील एपी सिंह के साथ पटियाला हाउस कोर्ट के बाहर धक्का मुक्की, निर्भया के परिवार के समर्थक भड़के। कल सुबह दोषियों को दी जानी है फांसी, तिहाड़ जेल में पवन जल्लाद ने डमी फांसी देकर की टेस्टिंग। सुप्रीम कोर्ट से दोषी पवन को झटका, खारिज की गई सुधार याचिका। कोर्ट ने अपराध के समय नाबालिग होने की दलील ठुकराई। देश में 175 तक पहुंचा कोरोना पीड़ितों का आंकड़ा, महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा 49 मरीज। लगातार बढ़ते आंकड़ों से चिंता में आई सरकार, आगे की रणनीति के लिए मंत्रियों के समूह की बैठक। आज रात 8 बजे प्रधानमंत्री मोदी करेंगे देश को संबोधित, कोरोना पर करेंगे बात। कोरोना की वजह से सीबीएसई की सभी परीक्षाएं स्थगित, 31 मार्च तक लगी रोक। जी मेन्स की परीक्षा भी डाली गई, 31 मार्च को आएगी अगली तारीख। एमपी में विश्वास मत के मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई जारी, कोर्ट की टिप्पणी, जल्द होना चाहिए फ्लोर टेस्ट। कोर्ट ने पूछा सवाल, 22 विधायकों ने इस्तीफा दिया तो स्पीकर ने किस आधार पर सिर्फ 6 के इस्तीफे मंजूर किए। जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा, यदि सदन सत्र में नहीं है और यदि सरकार बहुमत खो देती है तो राज्यपाल को विश्वास मत रखने के लिए स्पीकर को निर्देश देने की शक्ति। जस्टिस हेमंत गुप्ता ने कहा, संसद या विधानसभा के सदस्यों को विचार की कोई स्वतंत्रता नहीं है, ये लोग व्हिप से संचालित। बेंगलुरु में ठहरे विधायकों से मुलाकात को लेकर दिग्विजय सिंह को झटका, सुप्रीम कोर्ट में मामला होने के चलते कर्नाटक हाईकोर्ट ने दखल देने से किया इनकार। मध्य प्रदेश के सीएम कमलनाथ ने किया अपनी सरकार के सुरक्षित होने का दावा, आज तक से बातचीत में कहा मेरे पास बहुमत। पिछले 15 महीनों में अपनी बहुमत 3 दफे सामने रखी है, तो आज हमारी बहुमत की सरकार है। कमलनाथ ने बीजेपी को फिर से दिया विश्वास प्रस्ताव लाने की चुनौती, कहा नंबर है तो क्यों नहीं करते शुरुआत। बीजेपी नेता शिवराज सिंह चौहान ने कहा, आखिरी छक्का बीजेपी का लगेगा। कमलनाथ कह रहे हैं आप मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे, हमारी ही सरकार बनेगी। मन को बहलाने को गालिब ख्याल अच्छा है। पूर्व चीफ जस्टिस रंजन गोगोई बने राज्यसभा के सदस्य, पद और गोपनीयता की शपथ। गोगोई की शपथ के दौरान राज्यसभा में विपक्ष का हंगामा, कांग्रेस सांसदों ने सदन से किया वॉकआउट। नारेबाजी पर विपक्ष को कानून मंत्री रविशंकर ने लगाई फटकार, कांग्रेस शासन में पूर्व मुख्य न्यायाधीश को सांसद बनाए जाने की दिलाई याद। गोगोई हु हैज टेकन ओथ टुडे। कांग्रेस नेता आनंद शर्मा ने कहा, रंजन गोगोई की नियुक्ति न्यायपालिका की स्वतंत्रता पर आधारित। दिल्ली के सभी स्कूलों में शिक्षकों और कर्मचारियों की भी 31 मार्च तक छुट्टी, बच्चों के लिए पहले ही बंद थे स्कूल। दिल्ली के सभी चर्च में 31 मार्च तक लोगों के आने पर रोक, आग बिशप ने किया आदेश जारी। दिल्ली के सभी डीएम और एसडीएम दफ्तरों में अफसरों के जनता से मिलने पर रोक, कोरोना की वजह से सीएम केजरीवाल ने जारी किया आदेश। गांधीनगर में गांधी आश्रम अस्थायी तौर पर बंद किया गया, संक्रमण से बचाव के मकसद से फैसला। कोरोना से बचने के लिए स्वास्थ्य राज्य मंत्री अश्विनी चौबे की लोगों को सलाह, रोज सुबह 11 बजे से 2 बजे तक सेके धूप। जो 11 से 2 बजे का धूप बड़ा तीव्र धूप होता है, उसमें अगर 15-20 मिनट का आप धूप को सेकते हैं तो उससे किसी प्रकार का बीमारी क्षय दूर होता है और ऐसे विषाणु और जीवाणु भी, कीड़े भी समाप्त होते हैं। चंडीगढ़ में मिला कोरोना का पहला मरीज, सैंपल पॉजिटिव आने के बाद जीएमसीएच अस्पताल में भर्ती। महाराष्ट्र के हालात पर सीएम उद्धव ठाकरे ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की, लोगों के गैर जरूरी सफर करने पर जताई चिंता। कि एक वेगळ्या अर्थाने युद्ध आहे, विषाणूंशी युद्ध आहे, वॉर अगेन्स्ट व्हायरस। सगळे डॉक्टर्स, नर्सेस, वॉर्ड बॉईज, अगदी पोलीस यंत्रणा, इतर सगळ्या समाजसेवी संस्था। कोरोना संक्रमण की वजह से पूरे राजस्थान में धारा 144 लागू, सार्वजनिक जगहों पर सैनिटाइजेशन का काम जारी। कर्नाटक में कोरोना से बचने के लिए मुंबई की तर्ज पर पहल, विदेश से आने वाले यात्रियों के हाथ में लगेगी मोहर। ग्रेटर नोएडा की एक सोसाइटी में एक ही परिवार के 4 लोग आइसोलेशन में रखे गए, कोरोना संक्रमण की जांच जारी।
इटली से लौटा था परिवार, चार लोगों का परिवार। सोसाइटी पहुंचने पर लोगों ने किया था एंट्री का विरोध। सोसाइटी के लोगों की खबर पर देर रात पहुंची स्वास्थ्य विभाग की टीम, परिवार के चारों लोगों को जांच के लिए पहुंचाया अस्पताल। यूपी के बलिया में कोरोना का संदिग्ध आइसोलेशन वार्ड से फरार, मलेशिया से लौटने के बाद दिखे थे लक्षण। मुंबई में ट्रेन का हो रहा है सैनिटाइजेशन, कोरोना से बचाव के लिए वेस्टर्न रेलवे की पहल। देहरादून में आइसोलेशन वार्ड के बाहर एसडीआरएफ तैनात, बाहरी लोगों के लिए एंट्री रोकने पर फैसला। नरसिंहपुर में कोरोना को लेकर सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाना पड़ा भारी, पुलिस ने पहुंचाया हवाला। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कानपुर में आइसोलेशन वार्ड का किया दौरा, मरीजों के मुफ्त और बेहतर इलाज का दिया भरोसा। प्रयागराज में साईं मंदिर के कपाट बंद, हर गुरुवार होने वाला भंडारा भी स्थगित। जम्मू यूनिवर्सिटी 31 मार्च तक पूरी तरह बंद, कक्षाओं के साथ शिक्षकों और स्टाफ की भी छुट्टी। देश की बाकी यूनिवर्सिटीज में भी 31 मार्च तक परीक्षाएं रद्द, आईसीएसई बोर्ड में तय वक्त में होंगे एग्जाम। सिंगापुर एयरपोर्ट पर फंसे हैं महाराष्ट्र के छात्र, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने भारतीय उच्चायोग के संपर्क में। छत्तीसगढ़ में सामने आया कोरोना का पहला केस, रायपुर में 24 साल की महिला का टेस्ट पॉजिटिव। 15 मार्च को लंदन से लौटी थी युवती, परिवार को भी रखा गया आइसोलेशन। दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में भर्ती कोरोना के संदिग्ध ने की खुदकुशी, सातवीं मंजिल से कूद कर जान ली। खुदकुशी करने वाला शख्स सिडनी में रहकर कर रहा था पढ़ाई, एयरपोर्ट से उसे हॉस्पिटल लाया गया था। कश्मीर में भी एक शख्स कोरोना पीड़ित, 16 मार्च को विदेश लौटे शख्स को आइसोलेशन वार्ड में रखा गया। दुबई से पाकिस्तान पहुंचे 43 भारतीयों को अमृतसर लाया गया, सभी को मेडिकल कॉलेज में निगरानी में रखा गया। लखनऊ में 3 और गाजियाबाद में 2 लोग कोरोना पीड़ित। इटली में कोरोना वायरस का बरपा भयानक कहर, सिर्फ बुधवार को 475 लोगों की कोरोना से गई जान। इटली में करीब 3000 लोगों की कोरोना से जा चुकी है जान, करीब 36000 लोग कोरोना से पीड़ित। पाकिस्तान में 24 घंटे में 60 से ज्यादा कोरोना पीड़ित बढ़े। फ्रांस में 24 घंटे के भीतर कोरोना वायरस से 89 लोगों की मौत। केन्या की संसद में कोरोना पर हंगामा, बाहर से आए एक सांसद की जांच के लिए सांसदों ने मचाया शोर। अलवर में विदेश से लौटे डॉक्टर दंपति ने छिपाई जानकारी, अस्पताल स्टाफ और मरीजों को मुसीबत में डाला। डॉक्टर दंपति को आइसोलेशन वार्ड में भेजा गया, 16 मार्च को अस्पताल प्रशासन ने जारी किया नोटिस। ईरान से 195 भारतीयों को किया गया रेस्क्यू, 2 विमान से सभी को जैसलमेर लाया गया। एयर इंडिया के पहले विमान में ईरान से 105 भारतीय नागरिकों को जैसलमेर लाया गया, जबकि दूसरे विमान में 90 लोगों को किया गया रेस्क्यू। फिलीपींस के मनीला में भारत के करीब 1000 मेडिकल छात्र फंसे, परिजनों ने सरकार से मांगी मदद। अकोला के 12 मेडिकल छात्र फिलीपींस के मनीला में फंसे, परिजनों ने वतन वापसी के लिए सरकार से लगाई गुहार। महाराष्ट्र के भिवंडी में पुलिस अरिहंत मैट्रेस कंपनी पर केस दर्ज किया, गुजराती अखबार में गद्दा बेचने के लिए दिए विज्ञापन में लिखा एंटी कोरोना वायरस मैट्रेस। पुरुलिया में सैनिटाइजर और मास्क की कालाबाजारी की खबर पर दुकानों पर मारा गया छापा। मुंबई में अवैध तौर पर सैनिटाइजर बनाने वाली कंपनी पर छापा, 35 लाख का सैनिटाइजर जब्त। बेंगलुरु में कोरोना के खतरे के बीच इस्कॉन मंदिर बंद किया गया, पूरे मंदिर को किया सैनिटाइज। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने आईजीआई एयरपोर्ट पर बनाए गए आपातकालीन सेवा केंद्र का किया निरीक्षण, विदेशियों के लिए बनाया गया था आइसोलेशन सेंटर। चिकन से कोरोना की अफवाह मिटाने के लिए लुधियाना में कारोबारियों ने निकाली तरकीब, लोगों को दिया चिकन का लंगर, लगी भीड़। अलीगढ़ जेल में कैदी खुद तैयार कर रहे हैं मास्क, हर दिन बना रहे हैं 150 मास्क। कोलकाता में तैयार किया गया नया आइसोलेशन वार्ड। फरीदकोट के सरकारी अस्पताल से फरार कोरोना के संदिग्ध मरीज को पुलिस ने पकड़ा। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओमकश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।